हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हितेश और आज मैं आपको लेके आ गया हूँ नेशनल रेल म्यूजियम, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में पड़ता है। यहाँ आते कैसे हैं, यहाँ के एंट्री टिकट क्या है, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए इस वीडियो में सब कुछ कवर करते हैं। यहाँ पे आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका पड़ेगा मोतीबाग का। वहाँ उतरने के बाद आप कोई भी ई रिक्शा करके यहाँ आ सकते हैं। एंट्री टिकट की अगर बात की जाए तो एंट्री टिकट 50 रुपये की है। कुछ यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह भी हैं जो भी नहीं चल रही हैं, सिर्फ एक जॉय ट्रेन चल रही है, उसकी टिकट 20 रुपये की है, तो टोटल हो जाता है 70 रुपये। लेकिन अगर आप कैश नहीं लेकर आए हैं तो आप काउंटर से टिकट नहीं ले सकते, उसके लिए QR कोड है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको स्कैन करना पड़ेगा और कन्वेंस फीस वगैरह मिला के वो टिकट आपको हो जाएगा 77 रुपीज़ का, तो 7 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वीकेंड में इनकी टिकट है 50 रुपये की, वीकडेज़ में है 100 रुपये की, और वर्किंग डेज़ में 10 रुपये की बच्चों की, और वीकेंड में 20 रुपये की। इसी तरीके से जॉय ट्रेन की 20 रुपये 50 रुपये की है वीकेंड वीकडेज़ के हिसाब से, और बच्चों की 10 और 20 रुपये की है। मंडे को बंद रहता है। और ये है वो QR कोड जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर स्कैन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया कि कन्वेंस फीस के 7 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अलग अलग इंजन है, सिमुलेटर है, ये स्टीम सिमुलेटर है, कोच सिमुलेटर है, जिनके चार्जेस मेंशन है, लेकिन अभी वो वर्किंग नहीं है, सिर्फ जॉय ट्रेन ही वर्किंग है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। पीछे टिकट चेक कराने के बाद जैसे ही आप अंदर आएंगे, अंदर आके आपको सबसे पहले तो ये सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाएगा। बड़ी सी स्क्रीन लगी है जिसमें अलग अलग ट्रेन्स के बारे में दिखाया गया है, और ये एक स्टीम इंजन है, आई थिंक रेल इंजन MTR2 स्टीम लोकोमोटिव इंजन। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा। लेफ़्ट साइड में आपको पानी पीने के लिए मिल जाता है, और लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है, हमें जाना है एक्चुअली राइट साइड में। और यहाँ पे क्या क्या है, रेल संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम। इस मैप में आपको पता लग जाएगा मीटर गॉज कहाँ पे है, टॉय ट्रेन का ट्रैक क्या है, मोनो रेल का ट्रैक कहाँ है, कैफेटेरिया कहाँ है, मोनो रेल अलग है, डॉल गॉज अलग है, वर्कशॉप, आर्काइव, बैंकट एरिया, ऑडिटोरियम, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि अगर आप अंदर हों तो आपको कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। ये है रेल बुलवर्ड, और इसके अंदर आप म्यूजियम जंक्शन में जा सकते हैं जहाँ से आपको जॉय ट्रेन मिल जाएगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जॉय ट्रेन की सवारी करते हैं, उसके बाद चल के देखेंगे कि हम और इसमें क्या क्या कवर कर सकते हैं। बाहर से जो अपने टिकट खरीदी है उसको यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, लेकिन जॉय ट्रेन का भी अपना एक टाइम टेबल है, ये एक टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। तो अभी टाइम हो रहा है 1:15, और नेक्स्ट जो अभी इनका लंच टाइम चल रहा है, जो नेक्स्ट जॉय ट्रेन निकलेगी वो निकलेगी आई थिंक 8th राउंड 1:50 पे। अभी इन्होंने काउंटर क्लोज कर दिया है बिकॉज ऑफ लंच टाइमिंग। तो अभी हम बाहर जाके बाकी म्यूजियम कवर करते हैं, एंड देन जॉय राइड के लिए हम 1:45 के अराउंड आ जाएंगे। ये है जॉय ट्रेन का ट्रैक, काफ़ी छोटा है, और ये है एक कोच, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अलग अलग इंजन्स हैं और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इनके ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है, इसलिए क्योंकि 12 बच्चों के साथ ही ग्रुप के साथ आएँ तो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस पर 500 रुपये का फाइन है। ये है पटियाला राज्य मोनो रेल, एक पटियाला स्टेट की मोनो रेल है ये, जो कि जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल जाएगी 1909 में स्टार्ट हुई। यहाँ पे इस तरीके से आपको बहुत सारे अलग अलग इंजन्स और बहुत सारी हिस्टोरिक चीज़ें आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। जैसे वो है पटियाला स्टेट मोनो रेल, ये है YCGY 21900। अलग अलग रेलवे स्टेशन की थीम्स को भी यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, बनाया है। जैसे कि ये आगे हमारा दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये उसके ट्रैक्स वगैरह इन्होंने बनाए हैं यहाँ पर, साथ में ही इनका जो मेन हॉटस्पॉट होता है जहाँ पर सारी ट्रेन्स वगैरह रुकती हैं वो है, और साथ में वहीं पे आपको लोटस टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप छोटी गोल सुरंग देख रहे हैं, ये एक्चुअली टॉय ट्रेन के लिए है,
जिसके ऊपर बैठ के लोग जाते हैं। अब वो टॉय ट्रेन चलती हुई अगर हमें दिखती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, अदरवाइज जॉय राइड का तो हमें आपको दिखाना ही है। देन ये आ गया आपका गुना रेलवे स्टेशन। यहाँ का यू टर्न बड़ा फेमस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरी ट्रेन यहाँ से आती है झुमके चली जाती है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इंडियन रेलवे में ये सब चीज़ें भी थी, और अब हमने कहाँ से शुरू किया था और अब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं ये सब आपको यहाँ पर आके पता लग जाएगा। उसके बाद आ गया है आपका लखनऊ, आपका नवाबों का शहर का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अलग अलग थीम के इन्होंने काफ़ी रेलवे स्टेशन बनाए हुए हैं, साथ में ही आपको गाइड मैप भी उन्होंने जगह जगह लगाए हुए हैं ताकि आप ये ना लगे आप कहाँ पे हैं, आपको जाना जहाँ जाना कहाँ था। देन ये आपका आगे मुंबई का फेमस छत्रपति टर्मिनल शिवा रेलवे स्टेशन। आगे देखने में तो लग रहा है कि कोलकाता होगा, अच्छा नहीं ये है चेन्नई सेंट्रल। वो सब तो डेमो थे लेकिन ये है एक्चुअल के रेलवे इंजन जिनको रिपब्लिश करके पेंट करके यहाँ पे रखा गया है एग्जीबिशन के लिए। ये है GIBR, इसके पीछे एक है, ये है पुराना रेलवे स्टेशन रेलवे इंजन हमारा। ये स्टीम इंजन नहीं है, ये नॉर्मल इंजन है। और उसके बाद ये जो बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा है देखने में ये है माथेरन रेल कार, माथेरन जो आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है मुंबई के पास। ये माथेरन रेल कार था वो जो इंजन इनको खींचता है, और ये है सवारी डब्बे जिनमें लोग बैठ के घूमते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा शिमला में जैसे टॉय ट्रेन चलती है ऐसे ही माथेरन में भी चलती है। एक जगह और बहुत फेमस है टॉय ट्रेन वगैरह के लिए जो कि है दार्जिलिंग। रेल म्यूजियम के टाइमिंग है 10:00 से लेकर 4:30 तक, 4:30 तक आप एंटर कर सकते हैं। ये जगह वैसे आपके फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आके आप अलग अलग लाइट्स में अपनी फोटोग्राफी की प्रैक्टिस कर सकते हो। दिन के टाइम भी आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा कोई गर्मी यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि जगह बहुत अच्छी जगह पर है। चाणक्यपुरी जो है दिल्ली की सबसे ग्रीन एरियाज में से एक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप फोटोशूट वगैरह के लिए भी आ सकते हो, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जिनको अपना फोटोशूट करना होता है या करवाना होता है। प्लस यहाँ पे प्री वेडिंग वगैरह भी होता है, लेकिन अब वो अलाउड है या नहीं वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कैमरा चार्जेस वगैरह कितने हैं वो एक बार आप देख लेना, क्योंकि मैं कैमरा नहीं लेकर आया, मेरे को खाली Insta360 की यहाँ पे ज़रूरत थी। जैसे कई बार जानवरों को लाना ले जाना होता है ट्रेन के थ्रू, तो वो कैसे किया जाता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये है वेंस NS97488 लोड 176 176 भेड़ें इसमें आ सकती है। भेड़ों को बोला जा रहा है तो हो सकता है उससे रिलेटेड और भी जो जानवर हो सेम हाइट के सेम वेट के, तो उनको भी यहाँ पे रखा जाता हो। और ये है GIP डायनोमीटर जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में शीप वैन, मोस्टली शीप्स वगैरह के लिए ही यूज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पे कैफेटेरिया आपको खाने को मिल जाएगा, बाहर से आप अंदर खाने पीने का कुछ लेके नहीं आ सकते, अंदर आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा। और एक ही फूड स्टॉल भी आपको, वैसे बॉलीवुड का इंडियन रेलवे से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, उनमें से सबसे फेमस जो मूवीज हैं उनमें से एक है चेन्नई एक्सप्रेस, आपको याद होगा ये वाला सीन, और ये आइकॉनिक DDLJ का सीन
जिसमें भीष्म जी कहते हैं कि जा रंजन, जी ले अपनी जिंदगी। यही नहीं, ये इसे बहुत पहले से ही चला रहा है, जैसे कि राजेश खन्ना जी जब उन्होंने गा था ट्रेन में गाना गाया था मेरे सपनों की रानी, उसके अलावा और भी बहुत सारे पुराने गाने हैं जो कि मूवीज वगैरह हैं जो कि शूट हुई हैं। एक पूरी पिक्चर शूट हुई है अभी किल करके, मैं मूवी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ना उसको प्रमोट कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि बॉलीवुड और इंडियन रेलवे का एक बहुत पुराना नाता भी है। ये पूरी वॉल में आसपास आपको अच्छे खासे ये बॉलीवुड से रिलेटेड मिल जाएंगे, जैसे हम दोनों दो प्रेमी जैसे की शूटिंग यहाँ पे हुई है इंडियन रेलवे में, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के अंदर है जो भी है। इसके अलावा दिल से का चैया चैया, ये पूरी शूटिंग यहाँ पे हुई थी एक ट्रेन के ऊपर, आपको याद होगा। एक चीज़ और, मोस्टली आप जब भी आएंगे हो सकता है आपको स्कूल के बच्चे मिले, जैसे कि ये आज ही मैं दो तीन स्कूल अलग अलग स्कूल्स के बच्चों को देख चुका हूँ, पूरे के पूरे ग्रुप्स आए हैं। तो ये प्रॉपर एक फैमिली प्लेस है, प्रॉपर एक पिकनिक प्लेस है, स्पेशली विंटर्स में जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे लाइक इट इज़ वन ऑफ द टॉप विजिटिंग प्लेसेस इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ विंटर्स में ज़रूर आइए, और अगर आप दिल्ली ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। और ये है कैफेटेरिया। कैफेटेरिया चालू है भैया? चालू है, चलिए ऊपर चल के देखते हैं। लास्ट में मैं इसके कैफे में गया था, कैफे मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा एक सिंगल बंदे के हिसाब से, लेकिन अगर आप दो हो या उससे ज़्यादा हो और अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो फिर ठीक है। यहाँ पे फाउंटेन शो भी होता है, एक्चुअली फाउंटेन शो की कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है यहाँ पे, ये कभी भी स्टार्ट हो जाता है जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा, और कभी भी इसको बंद कर देते हैं, मे बी शायद ऑन डिमांड होता होगा। मैं बोलता हूँ नेशनल रेल म्यूजियम से बस इतना ही, इसके अलावा दिल्ली में घूमने की और भी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि भारत दर्शन पार्क, कुतुब मीनार, म्यूजियम ऑफ इल्यूशन और बहुत कुछ जो आपको इस प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड प्लेलिस्ट चेक करनी है लाइक जिम कॉर्बेट हो गया, भरतपुर हो गया और भी बहुत सारी जगहें, तो आप इस प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।